साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक महत्वपूर्ण से टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है दोस्तों डीवर्मिंग से। पशुओं की डीवर्मिंग अपने को कौन कौन सी मेडिसिन से करवानी चाहिए और प्रेगनेंसी की स्थिति में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी की कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए और कौन सी मेडिसिन यानी कौन से डीवर्मर का उपयोग अपन प्रेगनेंसी की स्थिति में कर सकते हैं, इससे संबंधित एक कमेंट था अपने यूट्यूब परिवार के एक साथी का। तो आज इस कमेंट का अपन निस्तारण करने वाले हैं। आज इस कमेंट से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, डीवर्मिंग का उपयोग प्रेगनेंसी की अवस्था में कैसे करना चाहिए, उससे संबंधित सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले एक जानकारी और दूं मैं आपको कि डीवर्मिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने चैनल पर ऑलरेडी कुछ वीडियो अवेलेबल है, उनके लिंक हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध भी है, आप उन वीडियोज को भी देखिए तो उससे आपको निश्चित रूप से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, जो प्रेगनेंसी सेफ डीवर्मर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और प्रेगनेंसी अनसेफ जो डीवर्मर है यानी प्रेगनेंसी की स्थिति में कौन कौन सी डीवर्मिंग मेडिसिन का उपयोग अपने को करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फील्ड में जो जनरली यूज में ली जाती है डीवर्मिंग की जो मेडिसिन होती है, जो जनरली अवेलेबल होती है फील्ड्स में, वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात करें अपन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें अपने को नाम आता है सबसे पहले जो कि अधिकतर पशुपालक भी जानते हैं, एल्बेंडाजोल होता है। उसके अलावा फेनबेंडाजोल अपन यूज में लेते हैं, उसके अलावा आयरोमेक्टिन यूज में लेते हैं, उसके अलावा अपन ऑक्सीक्लोजनाइड लिवामिसोल का जो कंपोजिशन आता है वो यूज में लेते हैं, उसके अलावा दोस्तों ऑक्सफेंडाजोल अपन यूज में लेते हैं, उसके अलावा क्लोजेंटल भी अपन काम में लेते हैं, उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में पाइप्रेजिन जो अवेलेबल होती है वो भी जनरली अपन यूज में लेते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन होती है दोस्तों जो कि जनरली यूज में ली जाती है, ठीक है, डीवर्मिंग के लिए सामान्यतः फील्ड में उपयोग में ली जाने वाली ये दवाएं हैं कुछ। अब बात करें अपन कौन कौन सी दवाओं का उपयोग अपन प्रेगनेंसी की कंडीशन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो फेनबेंडाजोल होती है जो कि बहुत सारे ट्रेड नेम से बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में अवेलेबल होती है, जनरली जो अपन काम में लेते हैं फेनबेंडाजोल 3 ग्राम यानी पेनाक्योर 3 ग्राम के नाम से जो अवेलेबल होती है, या फेंडिकाइंड प्लस भी होती है जिसमें आयरोमेक्टिन उसके साथ में होता है। तो बहुत सारी प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल होती है फेनबेंडाजोल की, तो फेनबेंडाजोल की जो सभी प्रिपरेशंस हैं वो प्रेगनेंसी सेफ मानी जाती है। उसके अलावा दोस्तों बात करें अपन आयरोमेक्टिन जो होता है वो प्रेगनेंसी सेफ माना जाता है, परंतु जो लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होता है उसमें उसका उपयोग अपने को अवॉइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो अपन एक ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। आयरोमेक्टिन का जो बोलस होता है उसका और आयरोमेक्टिन का जो इंजेक्शन होता है उसका उपयोग लास्ट टाइम और प्रेगनेंसी या लास्ट ट्राइमेस्ट्रो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसका वीडियो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं दोस्तों अपन प्रेगनेंसी सेफ डीवर्मर की। तो इसमें सबसे पहले मैंने बोला आपको फेनबेंडाजोल, उसके बाद में अपन आयरोमेक्टिन काम में ले सकते हैं, और उसके बाद में काम ले सकते हैं दोस्तों ऑक्सफेंडाजोल काम में ले सकते हैं, या अपन काम में ले सकते हैं ऑक्सीक्लोजनाइड लिवामिसोल जो कि सस्पेंशन में भी अवेलेबल है और बोलस की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो अपन जनरली काम में लेते हैं फील्ड में, और ये सभी मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ होती है। या जनरल में एक बात बोलूं दोस्तों तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में अपने को एल्बेंडाजोल जो डीवर्मर होता है उसका उपयोग कभी भी नहीं करना होता है, ठीक है, ये पॉइंट अपने को नोट करना है कि प्रेगनेंसी की स्थिति में कभी भी एल्बेंडाजोल का उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा जो अदर डीवर्मर होते हैं उनका उपयोग अपन प्रेगनेंसी की कंडीशन में कर सकते हैं कुछ सावधानियों के साथ में। अब सावधानियों की बात करें तो जैसा कि मैंने आयरोमेक्टिन के लिए बताया आपको लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में अपने को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो भी जनरल डीवर्मर्स होते हैं जैसे फेनबेंडाजोल है या ऑक्सीक्लोजनाइड लिवामिसोल है या क्लोजेंटल है या पाइप्राजीन है, इनका उपयोग भी अपने को लास्ट टाइम जो होता है प्रेगनेंसी का यानी काविंग से जस्ट पहले लगभग महीना भर पहले अपने को इनका उपयोग भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, इनका उपयोग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अपने को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए जैसे अपन ने एनिमल को सेमिनेट करवाया है या उसका नेचुरल अपन ने क्रॉस करवाया है तो उस टाइम पर भी अपने को डीवर्मिंग का यूज, डीवर्मिंग जो मेडिसिन होती है या डीवर्मर्स जो होते हैं उनका उपयोग अपने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए तो उसका पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे अपन एनिमल को डीवर्मर देते हैं तो उसका सबसे पहला इफेक्ट आता है रूमिनल फ्लोरा पर, जो रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, जो भी मेडिसिन जाएगी शरीर में रूमन में जाएगी तो उससे माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उसकी वजह से उसका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा जो भी डीवर्मर मेडिसिन अपन देंगे उससे उसके लीवर पर काफ़ी इफेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए अपन जनरली क्या बोलते हैं कि डीवर्मिंग के साथ अपने को
लीवर टॉनिक भी देना चाहिए। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को लास्ट टाइम ऑफ जो प्रेगनेंसी होती है, यानी लास्ट महीना मान सकते हैं अपन प्रेगनेंसी का, यानी ब्याने से एक महीना पहले अपने को डीवर्मर का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन ने डीवर्मिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण से टॉपिक पर बात की है। उम्मीद करता हूँ कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड डीवर्मिंग से संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, निश्चित रूप से उसका निस्तारण किया जाएगा। उसके अलावा डीवर्मिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जो कि अपने चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं उनका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, उनको देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।